quantity definitely speaks, but quality speaks more than quantity. Do you agree with me or not? Just raise your hands if you say yes. Thank you. Quantity of work definitely speaks, but quality speaks more than quantity. तो वो क्वालिटी क्या है? देखो, हमारे और पशु में बहुत फर्क है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में वे बोलते हैं, ये रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है कि देयर इज 99% सिमिलैरिटी बिटवीन अ चिंपांजी एंड अ ह्यूमन बीइंग. 99% समानता है एक चिंपांजी में और मनुष्य में. 1% तफावत कहां है? मनुष्य सोच सकता है, भविष्य का निर्माण देख सकता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, इंफॉर्मेशन को नॉलेज में परिवर्तित कर सकता है और नॉलेज को विजडम में परिवर्तित कर सकता है. इसलिए देयर इज 1% डिफरेंस बिटवीन अ चिंपांजी एंड अ ह्यूमन बीइंग. अगर वो 1% का उपयोग हमने नहीं किया तो हमारे और चिंपांजी में कोई फर्क. वो 1% क्या है? एक बार ऐसा ही कोई रविवार का दिन था, सुबह में एक जेंटलमैन न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे. बड़ी अच्छी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, एकदम तल्लीन हो गए थे. उसी वक्त उनका छोटा लड़का 7-8 साल का होगा, वो दौड़ता हुआ अंदर आया. पिताजी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे क्रिकेट बैट ला देंगे, लेकिन आपने वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं किए. पिताजी बोले कि भाई सॉरी, ये हफ्ते मुझे आपके लिए बैट लाना था, लेकिन काम में था, ट्रैवलिंग में था, नहीं ला पाया. कल सोमवार को जरूर ले आऊंगा. लड़के ने कहा, पिताजी देखो, आज दोपहर को मेरी क्रिकेट मैच है, हमारी सोसाइटी और बाजू वाली सोसाइटी की क्रिकेट मैच है, और मैं बड़े गर्व से मित्रों के बीच बोला हूँ कि मैं अपना बैट लेके खेलने आऊंगा. छोटे बच्चे के लिए अपना बैट लेके जाना मैच में, हम सभी को ये अनुभव है, एक आनंद की बात होती है. पिताजी ने कहा, आपकी बात सही है, लेकिन अभी तो इतवार है, कोई शॉप भी खुली नहीं होगी, आपके लिए कहां से मैं बैट ले आऊं. लेकिन ये लड़का थोड़ा जिद्दी था, उसका हक भी बनता था, तो वो पिताजी को परेशान करने लगा कि नहीं पिताजी, मुझे अब भी बैट चाहिए. तो पिताजी ने सोचा कि इस छोटे बच्चे को कोई काम में लगा दूं, कोई और प्रवृत्ति में मैं जोड़ दूं, ताकि वो मेरा जी छोड़े. तो आजू बाजू देखा तो एक A4 साइज का पेपर था, उस पे वर्ल्ड मैप छपा हुआ था. तो पिताजी ने ये किया कि वो वर्ल्ड मैप पूरा A4 साइज का हाथ में लिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, 16-32 टुकड़े कर दिए, शफलिंग कर दिया और छठे बच्चे को दे दिया कि देखो, मैंने आपको दिखाया था ना कि ये A4 साइज में वर्ल्ड मैप है. हाँ जी, दिखाया था आपने, अब मैंने उसको फाड़ दिया है. अब आप सेलो टेप लेके ये पूरे नक्शे को जैसे आपने देखा था वर्ल्ड मैप को ठीक तरह से कर दो, तो अब भी आपको बैठ ले दूंगा. क्योंकि पिताजी को पता था कि ये 7-8 साल का लड़का है, उसने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, वर्ल्ड मैप नहीं देखा है, तो वो तो वर्ल्ड मैप एडजस्ट करना वो नहीं कर पाएगा. पिताजी सो चैन से न्यूज़पेपर पढ़ने लगे. ये लड़का 10 मिनट में वापस आया और पूरा वर्ल्ड मैप ठीक था. पिताजी ने देखा एकदम इंडिया, चाइना, यूरोप, इंग्लैंड, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, सब अच्छी तरह से एडजस्ट किया हुआ था, सेलो टेप अच्छी तरह से लगाई थी. पिताजी को बहुत आश्चर्य लगा, हाउ डिड यू डू इट, ये कैसे किया आपने? वो छोटा बालक हंसता हंसता अपने पिताजी के हाथ में से वो A4 साइज पेपर वर्ल्ड मैप वापस लिया और उल्टा दिया और पिताजी को कहा, देखो पिताजी, पीछे एक मनुष्य का फिगर था, एक आदमी खड़ा था, वो पूरा उल्टा करके मैंने आदमी को एडजस्ट कर दिया, आगे दुनिया एडजस्ट हो गई. एडजस्ट योरसेल्फ एंड यू विल एडजस्ट योर वर्ल्ड. As simple as that. Don't keep complaining. ये मुझे नहीं मिला, ये मेरे पास नहीं है, मुझे ये देना चाहिए था, मेरे पिताजी समझते नहीं है, हस्बैंड को ये लगता है मेरी वाइफ समझती नहीं है, वाइफ को ये लगता है मेरा हस्बैंड नहीं समझते हैं.
Stop complaining. Adjust yourself well and you will adjust your world. और पूरी वर्ल्ड एडजस्ट करने की जिम्मेदारी भगवान ने आपको नहीं दी है, सिर्फ आपके वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया चलाने वाले और कोई है, आप अपनी दुनिया ठीक करें। ये मैंने प्रसंग आपको इसलिए कहा कि आपके जीवन में कार्य और सेवा के साथ सद्गुण चाहिए तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी ये क्लब को, अपनी को, अपनी ये सेवा प्रवृत्ति को, सभी को अच्छी तरह से एडजस्ट कर पाएंगे। ओनली वर्क डजंट काउंट, ओनली सर्विस डजंट काउंट, वर्चुअस वर्क एंड वर्चुअस सर्विस काउंट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। काम तो गधे भी करते हैं, काम तो पशु पंखी सब करते हैं, वर्चुअस वर्क। तो उसमें मुझे जो विषय दिया गया शब्द आता है एथिक्स, नॉर्म्स, डिसिप्लिन्स। विथ एथिक्स इट इज क्वालिटी वर्क। तो सबसे प्रथम एथिकल वैल्यू ले ये है कि हम हमारे जीवन में कठिन परिश्रम करें, क्योंकि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो अल्टरनेट टू हार्ड वर्क। बोलते हैं अंग्रेजी में कहावत है कि द फर्स्ट स्टेप फॉर रीचिंग द टॉप ऑफ द हिमालयाज इज अ स्मॉल स्टेप जस्ट आउटसाइड योर हाउस। हिमालय में एवरेस्ट पे आपको जाना है, लेकिन प्रथम स्टेप तो घर के बाहर एक लेना पड़ेगा ना। एंड सक्सेस इज नेवर एन ओवरनाइट जर्नी, इट इज वन स्टेप एट अ टाइम। तीसरी बात लिखते हैं कि सक्सेस डजंट हैव एन एलिवेटर, इट इज अ स्टेयरकेस। मतलब सफलता के लिए हमेशा पुरुषार्थ परिश्रम की बात है। तो पहली बात यह तय करनी है कि अपने कार्य क्षेत्र में और यहां क्लब में आप सेवा की भावना से जुड़े हुए हो तो जो भी सेवा मिले उसमें परिश्रम करना है। या हम प्रतिष्ठा के लिए नहीं आते, प्रतिष्ठा के लिए, पद के लिए, प्रभाव के लिए। आपके पास आपकी दफ्तर है, आपका व्यवसाय है और समाज है। यहां क्लब में, लायंस क्लब में आप आते हो, कोई भी सेवा संस्था में आप अपने आप को जुड़ते हो, यहां तो सेवा करने के लिए आते हैं, पद प्रतिष्ठा और प्रभाव के लिए नहीं आते। तो यहां श्रद्धा से परिश्रम करना। मैं जिस संस्था में से आता हूं वो BAPS स्वामीनारायण संस्था, आप सभी ने शायद अक्षरधाम देखा होगा गांधीनगर या दिल्ली में। जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू हैव बीन टू अक्षरधाम एट दिल्ली और गांधीनगर, आप सभी ने देखा होगा। उसी संस्था से मैं आता हूं। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज जिनका ये साल हम जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, और ये नवम्बर दिसंबर में अहमदाबाद में ST हाईवे पे 750 एकड़ जमीन पे पूरी कल्चरल सिटी खड़ी होगी। 10 बड़े बड़े 2000 लोग बैठ सके ऐसे डोम्स में एग्जीबिशंस होंगे, फैमिली वैल्यूज के, हाउ टू टैकल स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, पेरेंटिंग के, हाउ टू डू बेटर सर्विसेज, हाउ टू सर्व द सोसाइटी, सर्व द नेशन, ये सभी बातें आएगी। कॉन्फ्रेंसेस होगी, सेमिनार्स होंगे, जैसे अभी दुबई में एक्सपो में ग्लो गार्डन्स है, ऐसे बहुत थीमेटिक, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड थीमेटिक ग्लो गार्डन्स अहमदाबाद में होंगे नवम्बर दिसंबर में। वहां अच्छे मैसेजेस ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज, प्रमुख स्वामी महाराज के सभी होंगे, लाइट एंड साउंड शोज होंगे, पूरी बाल नगरी होगी 75-80 एकड़ जमीन पे। हमारे बच्चे पूरी बाल नगरी संचालित करेंगे, बहुत भव्य बड़ा कार्यक्रम होगा। 20,000 हमारे स्वयंसेवक की टेंट सिटी बनेगी, 20,000 वॉलंटियर्स फॉर 1 month, 2 month and 3 months, उसकी टेंट सिटी बनना चालू है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तभी वहां बाहर बड़े JCB और 100 ट्रक चल रही है। तो इतना बड़ा महोत्सव, प्रमुख स्वामी महाराज का मनारण का जन्म शताब्दी महोत्सव, ये पूरी BAPS संस्था, जैसे आपने अभी थोड़े साल पहले आपकी शताब्दी मनाई, लायंस के 100 ईयर्स पूरे हुए, हमारे भी 2007 में 100 वर्ष पूरे हुए, 2007 में।
तो प्रमुख स्वामी महाराज ने ये संस्था इतनी बड़ी बनाई। आप सभी ने अक्षरधाम जो देखा है, ऐसे छोटे मोटे 1300 कैंपस प्रमुख स्वामी महाराज ने वन मैन शो बनाए। 1300 हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, संस्कार केंद्र, कम्युनिटी सेंटर्स, मंदिर्स, अक्षरधाम बनाए और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। हमारे जैसे 1200 संतों को दीक्षा दी, उनमें से 750 से भी ज्यादा संत ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। ये मैं आपको इसलिए कहता हूं कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ जमा नहीं होगा, ठीक नहीं चला होगा, इसलिए यहां आ गया। सब कुछ जमा हुआ था, ठीक चल रहा था, सिर्फ सेवा और भक्ति के लिए यहां आए। आई फिनिश माय इंजीनियरिंग 30 इयर्स बैक इन 1991। और प्रमुख स्वामी महाराज ने इतनी बड़ी संस्था, यूनाइटेड नेशंस में हमारी परमानेंट सीट है एज एन एनजीओ, उनके जीवन में मूल्यनिष्ठ परिश्रम का बहुत बड़ा सद्गुण था। ये स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको इसलिए कहे कि वो स्टैटिस्टिक्स सुनने के बाद उनका मूल्यनिष्ठ परिश्रम आप अच्छी तरह से उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। व्हाट अ हार्ड वर्क इट इज। वे जब गुरुपद पे आए तब उनकी उम्र 51 इयर्स की थी। ये सभी स्टैटिस्टिक्स आफ्टर 51 के हैं। दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहर में वे घूमे और सत्संग का लाभ लोगों को दिया, जीवन की उन्नति की। 3.5 लाख घर में व्यक्तिगत तौर पे वे गए और उस परिवार के साथ बैठ के उनको संस्कृत किया, निर्व्यसनी किया, बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजो, इस प्रकार की प्रेरणाएं दी। 3.5 लाख होम्स विजिटेड। आपके लड़के या लड़की की घर में शादी हो और 10-15 घर में भी व्यक्तिगत जाना हो वेडिंग कार्ड देने के लिए, तभी आपको पता चलता है कि ये क्या होता है। लोग उनको पत्र लिखते थे, वो पत्र का रिस्पॉन्सिबल आंसरिंग करते थे। ऐसे 7.5 लाख पत्र उन्होंने लिखे हैं। At an unbelievable average of reading and writing 70 letters a day without a Sunday for 45 years. मूल्यनिष्ठ परिश्रम। सबसे बड़ा एथिक क्या है? मूल्यनिष्ठ परिश्रम। ये परिश्रम तो किया लेकिन कितना मूल्यनिष्ठ। प्रमुख स्वामी महाराज ने को कभी किसी ने पूछा कि कौन सा विचार आपके मन में हमेशा रहता है, उन्होंने कहा कि जो विचार मेरे मन में कभी नहीं आया वो मैं बताऊं, एंड दैट वाज इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा किसी का भी अहित हो ऐसा विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया। ये मूल्यनिष्ठ परिश्रम, दिस इज क्वालिटी वर्क। मैं इस साल क्लब में ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। क्यों? लड़का 10th में है, लड़की 12th स्टैंडर्ड में है, बिजनेस थोड़ा एक्सपेंड करना है, या मेरा लड़का बिजनेस में मदद कर रहा था, वो भी परदेश पढ़ने गया, इसलिए समय थोड़ा कम दे पाऊंगा। कारण ये नहीं है, कारण ये है कि इस साल क्लब का प्रेसिडेंट आपके ग्रुप का नहीं है, इसलिए। अब आप लोगों ने तालियां क्यों बजाई वो मुझे बताओ। स्ट्रेट हिट है ना, सिर्फ बाउंड्री के बाद नहीं, पेवेलियन के बाद। क्योंकि मैं 100 से ज्यादा लायंस क्लब की मीटिंग्स में गया हूं। बात ये नहीं है कि मैं समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा बिजनेस है, ये है। बात ये है कि मैंने जिसको वोट दिया था वो प्रेसिडेंट नहीं बना, और कोई बना। मैंने जिसको वोट बना दिया था वो डीजी नहीं बना, कोई और बना। ये इसको मूल्यनिष्ठ सेवा नहीं बोलते हैं। समझ लेना, जब हम सेवा संस्था में, आप भी एक सेवा संस्था हो, हम भी एक सेवा संस्था है। सेवा संस्था में व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा जाता, सिर्फ रिस्पेक्ट द चेयर, सिंपल। रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल, रिस्पेक्ट द प्लेज दैट यू हैव टेकन।
प्रतिज्ञा को सम्मान है, व्यक्ति को नहीं। आपने प्रतिज्ञा ली थी जब आप लाइन मेंबर बने थे तब कि मैं श्रद्धा से सेवा करूंगा, तो प्रमुख या डीजी तो कोई भी बने, आपका ग्रुप का हो, सामने वाला ग्रुप का हो, उसको फुल्ली सपोर्ट करना, दैट इज लायनिज्म, दैट इज एथिक्स इन सर्विस। व्यक्ति तो कोई भी हो, ये सिद्धांत से चलना है, हम ये सिद्धांत से चलते हैं, वरना तो यहां भी कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा, यहां भी प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा। कमर्शियलाइजेशन क्या है? पे एंड स्माइल। आप कोई बिजनेस चलाते हो, आपके हाथ नीचे 5-10-15-25-100 कर्मचारी हैं, कर्मचारी को आपकी तनख्वाह अच्छी लगती है इसलिए उसके चेहरे पे स्मित है, कर्मचारी का काम आपको अच्छा लगता है इसलिए आपके चेहरे पे स्मित है, इसको बोलते हैं पे एंड स्माइल रिलेशनशिप। हम एनजीओस में जो काम करते हैं, आप और हम सभी आज जो बैठे हैं, हम सब एनजीओस में यह काम करते हैं, निस्वार्थ भावना से आए हैं, यहां सर्व एंड स्माइल की रिलेशनशिप है, सेवा करना और चेहरे पे स्मित रखना। तो पे एंड स्माइल का इंफ्लुएंस यहां नहीं होना चाहिए। जब यहां एंटर आप होते हो, मतलब लायंस क्लब की फंक्शन में या कोई सेवा प्रोजेक्ट में एंटर होते हो, तब अपना एमडी, चेयरमैन, सीएमडी, जीएम, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, सीए, सीएस, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ये सभी का मान बार रख के आना। यहां कोई सीए, इंजीनियर, आर्किटेक्ट नहीं है, सब लायन है, सिंपल, तो आनंद से सेवा कर पाओगे। दिस इज एथिक्स इन सर्विस, एथिक्स इन योर वर्क। तो मैंने आपको दो बात कही, एक तो परिश्रम करना, मूल्यनिष्ठ परिश्रम करना सिद्धांत के साथ। 2001 में जब गुजरात में कच्छ विस्तार में अर्थक्वेक आया था, उस वक्त बड़ी ताराजी थी। 26 जनवरी को सुबह 9:15 बजे ये अर्थक्वेक आया था। उसी वक्त हमारे गुरु प्रमुख साईं महाराज ने आदेश दिया कि जल्दी आप किचन चालू कर दो, क्योंकि 3 घंटे के बाद 12 बजे लोग खाएंगे कहां। 2001 की बात है जब प्रमुख स्वामी महाराज की आयु थी 81 years, और हमने वहां किचन चालू कर दिया हमारे मंदिर में भुज में। उसी दिन, मतलब ये अर्थक्वेक के 3 घंटे के बाद 17,000 लोगों ने हमारे किचन में वहां भोजन लिया। प्रमुख स्वामी महाराज को रिपोर्ट भेजा गया, प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा किचन चालू रखो। हम लोगों ने कहा कि रॉ मटेरियल तो कम है, प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा हम ट्रक भिजवाते हैं अहमदाबाद से, बड़ौदा से, बड़े शहरों से, वो तो किया। लेकिन ऑन द 4th डे, दैट इज ऑन 30th January, प्रमुख स्वामी महाराज ने मुंबई से मुंद्रा पोर्ट पे 800 टन का जहाज जीवन जरूरियात मटेरियल का वहां रख दिया, और हमने 509 गांव में सिर्फ एक वीक में, एक हफ्ते में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। प्रमुख स्वामी महाराज की अपील थी इसलिए हम लोग 200-250 संत और 1500 स्वयंसेवक वहां पहुंच गए थे। उस वक्त इजराइल की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम भी वहां सेवा करने के लिए आई थी। इजराइल आर्मी की ये डिजास्टर मैनेजमेंट टीम बनी हुई थी, उसके मुख्य थे मिस्टर शालोम। तो वहां भुज में अनेक संस्थाएं जो काम कर रही थी, सब छोटा मोटा अच्छा काम कर रही थी, श्रद्धा से सब संस्थाएं उनके स्वयं से काम कर रहे थे। ये मिस्टर शालोम हर एक संस्था जो कार्य कर रही थी, सेवा कर रही थी, उनके पास जाते थे, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हमारे कैंप में भी आए 167 मेंबर्स की ये इजराइल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम थी, और मोबाइल आईसीयू लेके आए थे इजराइल से। तो वहां भुज में बहुत बड़ा शास्त्री मैदान है, वहां पे उन्होंने मोबाइल आईसीयू खड़ा कर दिया था। तब हमने भी अपने जीवन में पहली बार मोबाइल आईसीयू देखा 2001 में, मैं 20 साल पहले की बात करता हूं। मिस्टर शालोम आए और हम वहां सेवा करते थे, पूछे उन्होंने
कि आप क्या करते हो, हमने बोला कि वी सर्व हॉट मील्स, आश्चर्य लगा उनको कि डिजास्टर में आप लोग हॉट और फ्रेश मील्स सर्व करते हो। हमने बोला हाँ, अभी आधे घंटे में लाइन लग जाएगी। कितने लोग आते हैं? हमने बोला 15,000। तो वेस्टर्नर्स के लिए ये सब फिगर्स तो माइंड बॉगलिंग होते हैं। फिर भी उन्होंने देखा, बहुत खुश हुए कि ये कभी हमको ये विचार नहीं आया, क्योंकि डिजास्टर में तो या फ्लड्स होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, तो फूड पैकेट्स बनते हैं, लेकिन फ्रेश मील्स का विचार कभी हमको नहीं आया। फिर उन्होंने पूछा और कुछ आप करते हो? उन्होंने बोला कि हमने ये रिलीफ किट तैयार किए, क्या मैं देख सकता हूं? हमने बोला आप देख सकते हो। रिलीफ किट में से सभी एक एक आइटम उन्होंने बाहर निकाले। हम समझते हैं ऐसे प्रसंग में रिलीफ किट में क्या होता है, परिवार के चार लोग गिन के चारों के लिए एक कपड़े की जोड़ होती है या दो कपड़े की जोड़ होती है, एक दो कुछ ब्लैंकेट होते हैं, कुछ एक हफ्ते तक चार लोगों को चले इतना कुछ चावल होता है, आटा होता है, मतलब एक हफ्ते तक वो लोग कुछ खा सके इसकी व्यवस्थाएं होती है। सभी कुछ उन्होंने एक एक करके बाहर निकाला। फिर तो हेयर ऑयल की बॉटल निकली, कोम निकला, नेल कटर निकला। उनको बहुत आश्चर्य लगा कि रिलीफ किट में ये सब आपने रखा है। हमने बोला हमारे गुरु प्रमुख साईं महाराज का ये विचार था। जब हमने रिलीफ किट तैयार की तब उनको कहा कि सी अगेन आई टेल यू, प्रमुख साईं महाराज एट दैट टाइम वाज 81 और रोज रात को एक घंटा रिपोर्ट लेते थे और मार्गदर्शन देते थे। प्रमुख साईं महाराज ने कहा कि देखो एक हफ्ता हो गया, लोगों के नाखून बढ़ गए होंगे तो उनको नेल कटर देना चाहिए। एक हफ्ते से लोग कुछ स्नान नहीं किया है क्योंकि अर्थक्वेक जबरदस्त था, सब सिस्टम डिस्टर्ब हो गई थी, तो लोग हेयर ऑयल थोड़ा डाले और थोड़ा भी कोम करे तो भी फ्रेशनेस का अनुभव होता है, तो अब दे। पहला सवाल मिस्टर शॉलम ने पूछा, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी हैज डन हिज एमबीए? क्योंकि ये लोग तो मानते हैं कि एमबीए होते हैं उनको ही ऐसे विचार आते हैं। हमने बोला हमारे गुरु तो सिर्फ फिफ्थ स्टैंडर्ड पास है। तभी मिस्टर शॉलम बोले, नाउ लिसन केयरफुली, मिस्टर शॉलम बोले कि वी वर्क फ्रॉम द हेड, ही वर्क्स फ्रॉम द हार्ट, सो ही गॉट दिस थॉट एंड वी डिडंट गेट। हृदय से काम करना, हृदय से सेवा करना, वो मूल्यनिष्ठ भावना है। बुद्धि से तो सब करते हैं, आयोजन कर देते हैं, व्यवस्था कर देते हैं। और फिर हमने रिहैबिलिटेशन काम चालू किया। हमने बीएपीएस संस्था ने 15 गांव दत्तक लिए, 15 विलेजेस हमने अडॉप्ट किए और 4,500 होम्स बना दिए अगले 1.5 साल। और 42 विलेजेस में कोई जगह पे स्कूल, कोई जगह पे पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कोई जगह पे वाटर टैंक बना दिया। अब इसका अर्पण समारोह था। उस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन थे मिस्टर टी चीनो, जापानीज थे, वे आए थे गुजरात गवर्नमेंट की स्कीम 1 में कुछ हिस्सेदारी के लिए। वे वहां आए, उन्होंने गवर्नमेंट को पूछा कि कोई रिहैबिलिटेशन में कोई पूरा गांव बना है, खड़ा किया है? तो उन्होंने कहा बीएपीएस संस्था ने एक पूरा गांव, उसका नाम, गांव का नाम उखड़मोरा, वो उखड़मोरा गांव उन्होंने रिहैबिलिटेट किया है और वहां 300 घर बनाए। मिस्टर टी चीनो एडीबी के चेयरमैन वहां आए, हम उनके साथ थे उस वक्त में, 2001 की, यही 2002 की बात कर रहा हूं। एक घर में हम उनको ले गए, पहला काम किया उन्होंने, जो विंडो थी वो 3-4 बार जोर से खींच के पुश की कि हिंजिस में से वो निकल जाती है कि नहीं, क्योंकि रिहैबिलिटेशन वर्क में ऐसा कुछ होता है कभी। फिर बाहर आते वक्त जो स्टेयरकेसेस थे उनकी एज पे 2-3 बार अपने जो शूज से बहुत अपने सूस वहां पछड़ाए, तो वो शार्पनेस जो है, वो थिन एज है, वो भी टूटी नहीं। फिर बोले कि दिस इज जापानीज क्वालिटी एंड वी विल एंगेज विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इन स्कीम 1। तो ऐसा क्वालिटी काम किया, ऐसा नहीं कि चलो रीएप में देना है, कंस्ट्रक्ट करके देना है, ऐसा नहीं। तो ये प्रसंग मैंने आपको इसलिए कहा कि कोई भी कार्य हम करें, कोई भी सेवा हम करें, तो हमेशा क्वालिटी मेंटेन करना, चाहे अगर थोड़ा कम करें, शायद हम थोड़ा कम करें, लेकिन क्वालिटी अच्छी तरह से मेंटेन करना।
कि क्वालिटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर सेल्फ. आपकी सोच क्या थी, आपकी भावनाएं क्या थी, वो आपके कार्य में प्रतिबिंबित होती है. तो कठिन परिश्रम क्वालिटी से करना वो बहुत जरूरी है. दूसरी बात है, हम लोग यहां सेवा करने के लिए आए हैं. जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के प्रथम नागरिक भी है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, बराबर ना. उसी तरह द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ आर क्लब. कौन यहां प्रेसिडेंट और डीजी कितने बैठे हैं, हाथ ऊंचा करे. डीजी एक बैठे, प्रेसिडेंट्स कितने बैठे हैं, कितने क्लब्स के, हाथ ऊंचा रखे आप सब. हाँ, थैंक यू. आप सभी को अपने आप को रोज सुबह उठ के ये कहना है कि आई एम नॉट द प्रेसिडेंट, आई एम द सर्वेंट ऑफ माई क्लब. जिसको आज मॉडर्न मैनेजमेंट में सर्वेंट लीडरशिप बोलते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है. इस प्रकार की भावना, ये आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग हैपनिंग इन माई क्लब, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग हैपनिंग टू माई क्लब मेंबर्स, ये भावना से जीना, उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं. कई साल पहले की बात है, 1970 की, जब हमारे गुरु प्रमुख साई महाराज के गुरु योगी जी महाराज लंदन पधारे थे, वहां बड़ा मंदिर का बड़ा प्रतिष्ठा महोत्सव था. तो सब जो मिलने के लिए आते हैं, सभी को आशीर्वाद देते हुए बोलते थे, ये हमारे प्रमुख, ये हमारे प्रमुख, ये हमारे प्रमुख. तो किसी ने कहा कि स्वामी, मंडल के या क्लब के तो एक ही प्रमुख होते हैं, सब प्रमुख नहीं होते हैं. तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, क्या प्रमुख तो जो जिसको वोटिंग किया है या वहां पद पे आए वो तो ठीक है, लेकिन हमारे मन तो जो सेवा करे वो प्रमुख, जो सेवक बनता है वो प्रमुख है. तो सेवा की भावना ये है. आपको जान के शायद ताज्जुब होगा कि जिनका जन्म शताब्दी महोत्सव ये साल हम मना रहे हैं प्रमुख स्वामी महाराज का, 1950 में 21 मई को वो इस संस्था के प्रमुख बने थे, 1950 में. आप कैसे, कितने का जन्म उस वक्त हुआ था या उससे पहले हुआ था. 5 लोग भी नहीं है इस सभा में जो 1950 में उस वक्त मतलब इस पृथ्वी पे थे. 21 में 1950 को वे इस संस्था के प्रेसिडेंट बने थे. उस दिन की एक घटना आपको सुनाऊं कि सेवा किसको बोलते हैं, एथिक्स इन सेवा किसको बोलते हैं. छोटा सा समारंभ था, 20-25 लोग थे अहमदाबाद में. उस वक्त कैटरिंग सिस्टम तो थी नहीं, तो आसपास के घर में से बर्तन लेके लोग आए थे, और जो महिला वर्ग थे 3-4, उन्होंने सभी 25-50 लोगों के लिए कुछ खाना बनाया था. समारंभ के बाद सभी को भोजन करना था, सब अपने अपने घर से थोड़े बर्तन लेके आए थे, और वहां परोस के सभी ने भोजन किया. फिर सब एक करके चलने लगे. जब प्रमुख स्वामी महाराज सभी को विदा देके, उनकी आयु उस वक्त 28 साल की थी. He was 28 when he was made the president of this organization. सभी एक एक करके चले समारंभ के बाद. प्रमुख स्वामी महाराज भोजन करने के लिए गए, तब रसोई घर में देखा कि सब बर्तन जूठे ऐसे ही पड़े थे. मैंने कहा ना, उस वक्त कैटरिंग सिस्टम कोई थी नहीं, 1950 की बात है, मतलब आज से 72 years पहले की बात है. प्रमुख स्वामी महाराज ने ये जूठे बर्तन देख के क्या किया, सीधा वहां बैठ गए बर्तन साफ करने के लिए. उस दिन वे प्रमुख बने थे इस संस्था के, और आधे घंटे पहले, एक घंटे पहले उनके लिए तालियां बजाई गई थी. एक घंटे के बाद उनके सम्मान समारंभ में जो लोग आए थे, उनके जूठे बर्तन उन्होंने एक घंटे तक साफ किए. दिस इज सर्वेंट लीडरशिप. इसीलिए 65 साल तक वे इस संस्था के प्रमुख रहे, 65 years. हमारी संस्था में कोई इलेक्शन नहीं होता है, नॉमिनेशन होता है. आप इलेक्शन करो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें में कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है.
लेकिन उसमें ऐसी क्लब में, ऐसी सेवा संस्थाएं में जब इलेक्शंस होता है, आप प्रेम से करें क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, आप ये भी मेंबर्स को कहें कि मुझे वोट देना, लेकिन सामने वाले की नेगेटिव बातें आप बोलने लगे, किसी को फोन पे कहने लगे, तो क्या हुआ, आपने अपना लायन भाई उसके बारे में बुरी बातें चालू कर दी। इस प्रकार का इलेक्शन नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव फाइट। बाहर तो पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, ये बात अलग है। यहां आप किसी के पास वोट मांगने जाए इलेक्शन के वक्त, और सिर्फ अपनी ही बात करना कि मैं ये करना चाहता हूं, आप मुझे वोट दे। वो अगर जीता तो वो ये करेगा, ये इतना खराब है, ये नहीं है, वो बोलने का आपको एक लायन सभ्य के लिए अधिकार नहीं है। लेकिन आप बोलते हो, मैंने ये कान से सुना है और ये कान से भी सुना है। आप सभी एक ही संस्था में रहे हो ना, आप सभी एक ही संस्था के सभ्य हो, तो उस संस्था में जब इलेक्शन आते हैं तो एक दूसरे के बारे में बुरा क्यों बोलते हो? दिस इज नॉट एथिक्स इन सर्विस। दिस इज नॉट एथिक्स इन सर्विस। यहां सुधार करना चाहिए। ये समारंभ के बाद आपके पास 10 पॉइंट होंगे चर्चा के लिए। डीजी ने ये ठीक नहीं किया, थोड़े सोफे ज्यादा लगवाने थे, फिर जो भोजन समारंभ था उसमें ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था। अगर मुझे पूछा होता, क्योंकि अगले साल किचन कमिटी में मैं चेयरमैन था, तो अगर मुझे पूछा, देखो मैंने मेरे साल में मैंने 5 समारंभ किए थे, सब भोजन ठीक थे ना, तो 2 लोग बोलेंगे हाँ बहुत ठीक थे। अगर मुझे पूछा होता, मुझे ये करना सौंपा होता, तो मैं ये तरह से करता। अगर आपने ये चर्चा की, यू आर नॉट अ लायन। आपको इस क्लब का मेंबर होने के लिए अधिकार नहीं है। क्या यहां खाने के लिए आए हो? सोफे पे बैठने के लिए आए हो? हम हमारी संस्था में स्पिरिट से जीते हैं, पद का कोई मोह नहीं, व्यवस्था की कभी टीका नहीं। जो व्यवस्था, अगर व्यवस्था में कोई तकलीफ है तो आप सभ्य हो, सेवा में जुड़ जाओ। प्लेट कम पड़ी तो चिल्लाते क्यों कि प्लेट कम है? किचन घर में जाके खुद प्लेट लेके आओ 10-15। दैट इज लायनिज्म। अगर वहां खड़े रहे, प्लेट कम है, ये बोले, यू आर नॉट अ लायन। मैं बहुत सूक्ष्म बातें करता हूं लेकिन हकीकत करता हूं। यहां हम देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं आए हैं, निस्वार्थ भावना से आए हैं। यहां देना है, लेना नहीं। तो नो क्रिटिसिज्म। यहां रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, मैं एथिक्स इन वर्क एंड बिजनेस एंड सर्विस की बात कर रहा हूं, लेकिन बिजनेस और कॉरपोरेट की बात तो बाहर आप बहुत सुनी होगी, हम भी करते हैं। यहां सेवा का एक माहौल है, सेवा भावी सब हम इकट्ठे हुए हैं, तो हमें अपने आप में इंप्रूवमेंट करना, इसलिए बात करता हूं। आप सभी, मैंने जैसे पहले कहा, अच्छी भावना से सेवा करते हो, लेकिन थोड़ा और इंप्रूव करना है, और फाइन करना है, और डिग्निफाइड करना है। ठीक बात है, क्योंकि हम सभी मानते हैं, आप और हम, वी आर नॉट 100% इन सर्विस। हाँ, भावना 100% है, प्रतीकी 100% है, लेकिन कुछ स्वभाव है, कुछ प्रकृति है, कुछ आदतें हैं, वो सुधारनी है। तो रूल नंबर 1 क्या है? नो लायन इज रॉन्ग। रूल नंबर 2 क्या है? इफ समडे आई फील दैट अ लायन इज रॉन्ग, सी रूल नंबर 1, लायन इज नेवर रॉन्ग। ये हमारे भाई बहन है, सब एक दूसरे के पूरक है। इसमें ये कमी है तो आप में ये कमी है, तो आपके पूरक वो है, उनके पूरक आप हैं, सब साथ में मिले हो तो इट इज अ कंप्लीट सर्कल।
ये भावना से सेवा करना तो आपको आनंद आएगा। और एक अच्छी बात शेयर करना चाहता हूं, आपके ग्रुप का प्रेसिडेंट या डीजी ना हो, उनको फुल सपोर्ट देना, बल्कि डबल सपोर्ट देना, दैट इज रियल लायनिज्म। बिकॉज यू आर सपोर्टिंग अ प्रिंसिपल, यू आर सपोर्टिंग अ कॉज, यू आर लिविंग द प्लेज दैट यू हैव टेकन। तो फुल सपोर्ट चाहिए, तो दैट इज रियल लायनिज्म। एक और अच्छी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि प्लेज के साथ एक और प्लेज लेना, जब प्रतिज्ञा लेते हो, जब आप लायन मेंबर बनते हो, प्रतिज्ञा लेता हो, तो मन में एक और प्रतिज्ञा लेना कि मिनिमम 10 साल सेवा करनी है, उसके बाद ही इलेक्शन में खड़ा रहना है। मैं बहुत की टॉक्स करता हूं, ये तो यहां आए 2-3 साल हुए तो सीधी यहां नजर रहती है, ये मंच की नजर रहती है। मैं तो कहता हूं लॉ बना दो 10 साल की एक्टिव मेंबरशिप, उसके बाद ही वो इलेक्शन में खड़ा रह सकता है, तो सेवा भावना आएगी, तो सेवा का आनंद आएगा। समझना, हम फोटोग्राफ्स के लिए सेवा नहीं करते हैं, आनंद के लिए और समाज को देने के लिए सेवा करते हैं। ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम था, प्रेसिडेंट का फोन आया कि ये रविवार को सुबह 9 बजे यहां आ जाना, ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम है। वेन्यू कौन सा है? तालेगांव से 70 किलोमीटर दूर है। नहीं नहीं जरूर पहुंच जाऊंगा। कितने बजे पहुंचना है? सुबह 8:30 को ठीक पहुंच जाऊंगा। 1 घंटे के बाद फोन करेगा कि सी मैं, मुझे पहुंचना था लेकिन अभी मुझे पता चला कि मेरे सास और ससुर कल सुबह आ रहे हैं, सरप्राइज विजिट पे आ रहे हैं और मैं शायद नहीं आ पाऊंगा। सास ससुर नहीं आ रहे हैं, ये 70 किलोमीटर का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्या है 70 किलोमीटर का। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, प्रेस को इनवाइट नहीं की थी। एक एक बात उखाड़ के बोल रहा हूं हा? और फोटो भी आया, फोटो छपा भी। अरे यार मैं आधा फीट बाहर रह गया, ये जो फोटो पड़ा ट्री प्लांटेशन का, और ट्री का प्लांटेशन पकड़ के ऐसे, सबसे बुरा फोटोग्राफ। तू भाई साहब सेवा कर, तेरा मुंह इस तरफ होना चाहिए, ये तो कोई फोटो होता है? आपके सभी फोटोग्राफ्स ऐसे ही मैंने देखे हैं, इसलिए सुधार की बात कर रहा हूं। क्योंकि आपके मैगजीन से मेरे पास आते हैं, उसमें सभी फोटो ऐसे होते हैं ट्री प्लांटेशन में कैमरा की सब। अरे यहां देख, और फिर वो कलेक्ट करके घर में रखते हैं। चलो वो एक आनंद के लिए, कुछ स्मृति के लिए रखते हैं, उसमें ना नहीं, लेकिन उसमें से अगर मान जागृत होता है तो वो गलत बात है। डोंट सर्व फॉर फोटोग्राफी एंड द फोटोग्राफ टू गेट प्रिंटेड, सर्व बिकॉज यू आर एंजॉइंग सर्विसेज एंड यू आर वांट टू गिव समथिंग। फोटोग्राफ के लिए सेवा मत करना, और फोटोग्राफ में अगर फ्रेम में नहीं आए तो दुख भी मत लगाना। वो प्रेसिडेंट है ना, बोल उसने मुझे फोटोग्राफ में काट दिया, फोटोशॉप कर दिया, ये कभी मत सोचना। देना है और देना है। और एक अच्छी बात आपको एथिक्स की बताऊं, पास्ट प्रेसिडेंट्स और पास्ट डीजी जो बैठे हैं वो हाथ ऊंचा करें, ऊंचा रखना, मुझे देखना है कितने बैठे हैं। बहुत सारे बैठे हैं, कम से कम 50 से ज्यादा बैठे हैं। अभिनंदन,
दूसरा प्रश्न उनको पूछना है, अब ध्यान से सुनना, जो पास्ट प्रेसिडेंट्स और पास्ट डीजी है ना, आपको ये प्रश्न भी पूछना है, पिछले एक साल में आपकी क्लब में आपकी प्रेजेंस कितनी परसेंटेज की है? 100% वाले हाथ ऊंचा करें, श्रद्धा से अभिनंदन। 100 से कम हो वो ओपन हार्टेड हाथ ऊंचा करें, आई अप्रिशिएट, हाथ ऊंचा रखते हो, अप्रिशिएट यू। तो उसमें भी काफी सारे लोग हैं। जब आप प्रेसिडेंट होने वाले थे, प्रेसिडेंट इलेक्ट जिसको बोलते हैं, डीजी इलेक्ट, फिर प्रेसिडेंट थे, वो दो साल तो आपने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि 100% प्रेजेंस करनी है, ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आप पास्ट प्रेसिडेंट बने, फिर आपकी प्रेजेंस क्यों कम हो गई? वो चिल्लाना गया कहां? मतलब वो लायनिज्म से वो चिल्लाना नहीं आता था, वो चिल्लाना पद के मान से आता था। Am I firing on the chest? छाती में फायर हो रही है ना? आपने संत को बुलाया है, हम तो सतवाणी बोलेंगे, आपके पास से मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, आपके पास से मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन आप बड़े अच्छे सेवक बने हैं, उसके लिए मार्गदर्शन दे रहा है। क्योंकि हम पैसे से नहीं बोलते हैं, मैं 25 साल से नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में बोलता हूं, एक पैसा भी किसी के पास चार्ज नहीं किया है, ये कॉन्फ्रेंस में भी बोलने का एक पैसा मैंने चार्ज नहीं किया है। सो आई एम नॉट अ पर्सन हु टेक समथिंग एंड गिव्स, आई गिव सेल्फलेसली। 25 साल से मैंने किसी के पास, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट ही नहीं है, पैसे को छूते नहीं है, और हमारा वर्तमान होता है, अगर पैसे को भूल से भी छू लिया, हाथ में हाथ स्पर्श कर लिया, तो 25 बार हाथ धोना पड़ता है, वो हमारा वर्तमान है, नियम है, इसलिए हम तो पैसे रखते नहीं है। तो आपको सच्ची और अच्छी बात करना चाहेंगे, जो आपको एक अच्छा सेवक बनाएगी, जिसकी वजह से आपको जीवन में आनंद आएगा। और बुढ़ापे में ये ऐसी अच्छी सेवा एक समाज की हुई मेरे से, वो स्मृति करते करते आपको बहुत बड़ा अंतर में सुख रहेगा, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो ये श्रद्धा से सेवा की बात है। अब एक और एंगल आपको दिखाना चाहता हूं, सेवा तो करते हो, लेकिन उसमें क्वालिटी की हमने बात की, प्लेजिंग की बात की, सेवा में एथिक्स की बात की, अब जो बात करनी है वो सबसे बड़ा एथिक है, प्योरिटी इन सर्विसेज। वो प्योरिटी इन सर्विसेज क्या है? आपका जीवन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। ये प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी वर्ष है, उनका सबसे बड़ा मैसेज ये है कि चारित्रवान, आप चारित्रवान बने और चारित्रवान समाज दृढ़ करें। आपकी कोई कुआदतें हो, आपके ऐसे कोई विचार हो, ऐसी कोई भावनाएं हो, तो वो छोड़ना, तब आपकी प्योरिटी बढ़ेगी, तो आपकी सेवा की क्वालिटी भी बढ़ेगी। क्योंकि प्योरिटी आपके अंतर में जितनी है, वो सेवा को एक डिफरेंट शाइन देगी, अ डिफरेंट शाइन बिकॉज ऑफ द प्योरिटी इन योर हार्ट। वो प्योरिटी क्या है? तो सबसे पहली बात, आपका जीवन निर्व्यसनी होना चाहिए। आप लायन हो, शेर कभी घास खाता है? शेर कभी घास खाता है, हाँ या ना? जोर से बोले, शेर अगर घास नहीं खाता है तो लायन क्लब का मेंबर लायन मुंह में तंबाकू क्यों डालता है? तो आप शेर नहीं हो। हमारे वहां गुजरात में चरोतर में टबैको के फील्ड्स हैं। दुनिया का एक ही कैश क्रॉप ये है जिसके खेत को किसी भी प्रकार की फेंसिंग नहीं होती है, देखना गुजरात में आके। ये एक ही ऐसी फसल है जिसके खेत को कोई फेंसिंग नहीं है, पता है आपको क्यों? गधे भी वहां नहीं जाते हैं, वो समझते हैं
कि मेरे से जो बुरा है मनुष्य उसका ये खोराक है, हम इज्जत वालों का ये नहीं है। प्योरिटी इन योर पर्सनल लाइफ, आप व्यसन मुक्त जीवन जीते हो तो ही आपकी सर्विस में क्वालिटी आएगी। ये बात शायद आपको अभी समझ में नहीं आएगी कि ये दोनों बात के बीच कनेक्शन क्या है। आप जैसे जैसे इस रास्ते पे चलेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि क्वालिटी कैसी अच्छी हो रही है। मेरे शब्द से 5% आपको महसूस होगा, करने से बाकी के 95% महसूस होगा। हर रोज भारत में 2000 लोग टबैको रिलेटेड कैंसर से उनकी मृत्यु होती है, मतलब हर घंटे 82 लोग। मैंने प्रवचन शुरू किया 55 मिनट हुई, मतलब 80 से ज्यादा लोग, 80 लोग टबैको रिलेटेड कैंसर से भारत में उसका मृत्यु हुआ। ये मत सोचना कि मेरे पड़ोस में ये 50 साल से स्मोक कर रहे हैं, खाते हैं, उसका कुछ नहीं हो और मुझे 5 साल में क्या हो जाएगा। पूरी रेंज है इसमें, 5 साल वाले को भी होते हैं और 50 साल वाले को नहीं भी होता है। आप इस रेंज में कहां, आपको कहां पता है? आप में से जितने टबैको लेते हो, मतलब कोई भी प्रकार का टबैको च्यूइंग करते हो या सिगार स्मोक करते हो, उन सभी पे मुझे आज एक एलिगेशन रखना है, आपकी अगर मंजूरी है तो। जो आप टबैको च्यूइंग करते हो या सिगार मुंह में डालते हो, आई वॉन्ट टू पुट एन एलिगेशन ऑन यू इफ यू परमिट मी। यस, एलिगेशन वो है कि आप टबैको च्यू करते हो या सिगार पीते हो, उसका सीधा सीधा अर्थ है यू डोंट लव योर फैमिली। आपको अपने पत्नी के लिए कोई प्यार नहीं है, आपके बच्चों के लिए आपको कोई प्यार नहीं है, आपके माता पिता के लिए आपको कोई प्यार नहीं है। अब मेरा एलिगेशन आप रॉन्ग प्रूव करें। क्यों? तंबाकू मुंह में डालते हो, सिगरेट पीते हो, तब आपको पता है कि ये मुझे कैंसर कर सकता है। मेरे परिवार जन, मेरे माँ बाप, मेरे पत्नी, मेरी पत्नी भी दो हो सकती, मेरे बच्चे बिना बाप के हो सकते हैं, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में आप ये रखते हो, ठीक है अगर होगा नहीं होगा लेकिन मुझे ये प्यारा है। दैट मीन्स यू लव योर सिगरेट मोर देन योर वाइफ एंड चिल्ड्रन। दिस इज माई एलिगेशन ऑन यू, नाउ प्रूव मी रॉन्ग। थोड़ी सीरियस बात हो गई ना। अब तक तो मैं 303 छोड़ता था, अब मैंने AK-56 हाथ में ली है। डॉक्टर जब ऑन्कोलॉजिस्ट आपको कहेगा कि कुछ अंदर गड़बड़ है और कैंसर निकला, तब रोना भी नहीं आएगा। हमने ऐसे भी केस देखे हैं। भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया है और यहां जो आप सब बैठे हो, वो सामान्य व्यक्ति से ज्यादा कुछ ऊपर उठ के आपने नौकरी धंधा किया है, सामान्य व्यक्ति से कुछ ज्यादा आपने समाज में पाया है, सामान्य व्यक्ति से कुछ ज्यादा आप समाज को दे रहे हो। ये सुन लो, तो फिर इतना अच्छा जीवन एक 50 पैसे की पड़ी की के हाथ में दे दे, एक 50 पैसे की सिगरेट के हाथ में आप अपना भावी दे दे, वो बड़ी मूर्खता है। इट इज फुलिशनेस। और वो भी जानबूझ के। लिखा है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी आप पढ़े लिखे लोग पीते हो सिगरेट, लिखा है। हा या ना? अमेरिका में तो बिल पास होने वाला है, शायद हो गया होगा, ये पैकेट पे लिखना पड़ेगा इंजूरियस टू हेल्थ। इतना नहीं, सिगरेट स्मोकिंग कैन किल यू, किल शब्द यूज करना पड़ेगा। टोटल नॉनसेंस ऑफ लाइफ। तो प्योरिटी चाहिए तो आप में दम आएगा, ताकत आएगी। लेकिन अगर आपने अपने आप को टबैको या सिगरेट को सबमिट कर दिया तो पावर नहीं आएगा। ओनली कैरेक्टर कैन गिव यू पावर। इंटेलिजेंस, एकेडमिक्स, एक्सपीरियंस एक हद तक पावर दे सकता है, बियॉन्ड दैट ओनली योर कैरेक्टर कैन गिव यू पावर। वो कैरेक्टर शुद्ध और पवित्र जीवन है। एक डिग्निटी के साथ जीना कि मैं गलत काम नहीं कर सकता,
मैं कुछ गलत नहीं बोल सकता, मैं कुछ गलत सोच नहीं सकता, इस डिग्निटी के साथ जीना, दैट इज ह्यूमन लाइफ। फिर देखो आपका पावर, आपकी जो फंड रेजिंग कमिटीज है, कोई प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करने के लिए जाती है, अच्छी बात है, क्योंकि समाज के और लोगों को भी हमें जुड़ना है सेवा में, तो वो करना ही चाहिए। लेकिन अगर आपने एथिकल सर्विसेज और प्योरिटी सर्विसेज किए हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट योर प्रेजेंस विल बी एन ऑरा। फंड्स मांगने क्यों जाते हो, आपके पास लोग आने चाहिए, आपकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर ये गांव में ऐसे होने चाहिए कि आपका नाम, आपकी बात आए तो पूरा गांव बोलना चाहिए कि नहीं वो है दे दो, दैट इज योर पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर। हमारे गुजरात में रविशंकर महाराज थे, उन्होंने चंबल की खाड़ियों में वहां जाके सब डैकोइट्स को मेनस्ट्रीम सोसाइटी में लाए, ऐसे ही चल देते थे चंबल में, लोग बोलते थे कि डाकू आपको मार देंगे, रविशंकर महाराज बोलते थे कि मेरे हृदय में उनके प्रति इतनी शुद्ध भावना है, उनको मेनस्ट्रीम सोसाइटी में वापस लाना है, अगर उसने ट्रिगर दबाई भी तो भी गोली मेरे छाती पे नहीं चलेगी, और डाकू के साथ बैठ के उनके हाथ में से बंदूक लेके बाजू पर रख के उसको बोलते थे कि तुझे मेनस्ट्रीम सोसाइटी में वापस आना है। क्या वो जिगर था, वो मॉरल, बिकॉज प्योरिटी ऑफ लाइफ। हम एक डॉक्टर दोषी को जानते थे, जब स्वामीनारायण अक्षरधाम गांधीनगर में बना प्रथम ही दिन ये लायन रोहित मेहता का हमने सम्मान किया था, क्योंकि उस वक्त इंटरनेशनल प्रेसिडेंट थे, और उनके साथ ये डॉक्टर दोषी का भी हमने सम्मान किया था, क्योंकि उन्होंने उस वक्त तक 3 लाख कैटरेक्ट ऑपरेशन फ्री किए थे डॉक्टर दोषी ने, आनंद में, मध्य गुजरात में एक छोटा सा टाउन है आनंद, 3 लाख कैटरेक्ट ऑपरेशन। अभी 5-6 साल पहले हम बड़ौदा में कोई कार्यक्रम में थे, किसी ने इंट्रोडक्शन करवाया कि आप डॉक्टर दोषी को जानते थे, मैंने बोला बहुत अच्छी तरह से, उनके साथ ये डॉक्टर मेहता हुआ करते थे, और डॉक्टर मेहता की तो आयु उस वक्त ही 85 थी, मैं 5 साल पहले की बात करता हूँ, तो मैंने तो एकदम नमस्कार उनका चरण स्पर्श किया, क्योंकि इतनी बड़ी सेवा। फिर मैंने डॉक्टर दोषी मेहता को कहा कि अगर आपको समय है तो मुझे 5-10 मिनट आपसे बात करनी, आपके पास से कुछ जानना है, तो वे वहां बैठे, मैं उनके बाजू में बैठा, और बड़े नम्रता से मैंने उनको पूछा, तो सेवा की बात उन्होंने की। फिर मैंने एक प्रश्न उनको पूछा कि आप इतने कैटरेक्ट ऑपरेशन फ्री करते थे, इतने कैंप चलाते थे, पैसे कहां से लाते थे, चाहिए तो सही ना, मटेरियल के लिए, सिस्टम के लिए पैसा तो चाहिए, कोई भी प्रोजेक्ट आप करें, पैसे कैसे लाते थे, आपकी कोई टीम नहीं थी। फिर जो डॉक्टर मेहता ने कहा वो सुनने लायक है। डॉक्टर मेहता ने कहा कि डॉक्टर दोषी के साथ हम लोग कैंप्स के लिए जाते थे, 10-10 दिन 15-15 दिन घूमते थे गाँव में फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए, जब हम वापस आनंद आते थे और आनंद में डॉक्टर दोषी अपना क्लिनिक खोलते थे तो 15-25 चेक वहां पड़े हुए दिखते थे, लोग तिवाड़ में से ये चेक डाल के चले जाते थे, डॉक्टर दोषी डाल दो ये चेक। तो दूसरा प्रश्न मैंने पूछा कि अगर आपको अनुकूल हो तो ही उत्तर देना कि चेक में रकम कितनी लिखी हुई है, होती है, कितने का चेक आपने देखा है। उन्होंने कहा मैंने 500 रुपये का भी चेक देखा है और 25 लाख का भी देखा है। मैं 30 साल पहले की बात करता हूं। उन्होंने कहा कभी मैं हम लोग फंड मांगने नहीं गए, कभी हम फंड मांगने नहीं गए, काम अच्छा था, श्रद्धा से किया था, शुभ भावना से किया था, तो लोग आते थे। मैग्नेट को अपने आप की एडवर्टाइज करनी नहीं पड़ती है, उनकी प्रेजेंस एंड इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग आयन। उसी तरह प्योर एंड एथिकल होंगे तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी। प्रमुख स्वामी महाराज इतने प्योर थे, एथिकल थे, तो आप समझ सकते हो कि 50 साल में उन्होंने 1300 संस्थाएं खड़ी की, मतलब हर 15वें दिन 50 साल तक या तो कोई हॉस्पिटल समाज को दी, या कोई स्कूल दी, कॉलेज दी, हॉस्टल दिया, मंदिर दिया, कम्युनिटी सेंटर दिया, अक्षरधाम दिया। तो एवरी 15th डे अ लैंड प्रोजेक्ट क्लियरेंस,
कंस्ट्रक्शन, व्यक्ति मिलना वो संस्था चलाने के लिए, हर 15वें दिन एक संस्था की भेंट समाज को 50 साल तक दी। व्हाट अ वर्क, ये बियॉन्ड द कैन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस है कि एक व्यक्ति इतनी समाज सेवा कर सकते हैं। पवित्रता थी, लोग सामने से आते थे सेवा करने के लिए, उनके जीवन की पवित्रता, सेवा की भावना, तो हम 1200 संत जुड़ गए। हमारे 1200 में से 150 से भी ज्यादा संत दे आर बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजंस। मोर देन 50 सेंट्स हमारे संप्रदाय में ऐसे हैं अभी जो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कार्नेगी मेलन, येल, किलोंग ऐसी यूनिवर्सिटीज में से MBA हुए हैं। हमारे संत अभी 28, 30, 32 साल के कई संत ऐसे हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, नासा में $1,00,000-$1.5 लाख की तनख्वाह छोड़ के संत हुए हैं बिकॉज ऑफ प्रमुख स्वामी महाराज। और अभी हमारे गुरुवर ये महंत स्वामी महाराज, उनका कैरेक्टर, प्योरिटी, ये देख के यहां आए। मैंने आपको ये बात इसलिए की कि यहां आके भी ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसको इस बार प्रमुख नहीं बनने देना है, ये दो वोट खींच के इस तरफ ला, ये सब प्रवृत्तियां सेवा संस्था में भी करनी है तो भाई साहब आप वापस चले जाए। किसी को पछाड़ने की, किसी को पीछे हटाने की, किसी का लेग पुलिंग करने की प्रवृत्ति करनी है तो आप सेवा के लिए क्या आए हो या और कोई प्रवृत्ति के लिए आए हो? इसलिए मैं बोल रहा हूं, आफ्टर योर मेंबरशिप, आफ्टर एक्टिव 10 ईयर्स, नॉट जस्ट 10 ईयर्स, पैसिव भी होते हैं, आफ्टर एक्टिव 10 ईयर्स ओनली देन यू कैन रन फॉर एनी इलेक्शन। सुझाव कैसा लगता है? भेज दो अमेरिका हेड ऑफिस में, अमेरिका हेड ऑफिस में भेज दो, तो सेवा का आनंद आएगा, तो चेहरे पे स्मित रहेगा। देखो हमारी कोई फैमिली नहीं है, हम तो फैमिली छोड़ के आए, पढ़ाई कारकिर्दी सब छोड़ के आए, हमारा बैंक अकाउंट नहीं है, पैसे नहीं है, हम जो भी खाना है वो एक लकड़े के पत्थर में मिला के खाते हैं, और 30 साल से मैंने दीक्षा ली है, 30 साल से यही कपड़े पहनता हूँ, सिर्फ 2 जोड़ कपड़े होते हैं हमारे। आज सुबह मैं बड़ौदा से निकला, मुंबई आया, क्या वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम था, वो अटेंड करके 3 घंटा ड्राइव करके पुणे आया, पुणे मंदिर में 1.5 घंटा बोला, वहाँ हमारी बहुत बड़ी सत्संग सभा थी, वहाँ से 1 घंटा यहाँ आया, 1 घंटा यहाँ बोला, अब वापस 1 घंटा वापस जाऊंगा, तो भी चेहरे पे कोई थकावट है? सेवा का आनंद। और कल सुबह यहाँ से संगम में चलेंगे 4.5 घंटे, वहां भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है जी। तो कहने की बात यह है कि प्योरिटी आएगी तो सेवा में बहुत आनंद आएगा। प्योरिटी गिव्स यू द पावर टू वर्क। तो कुछ ऐसी बातें हैं और अंतिम बात 5 मिनट में मैं पूरी करता हूं। भगवान के प्रति हमेशा श्रद्धा और भक्ति का भाव रखना, जो भी भगवान के स्वरूप में आप मानते हो, थोड़ा नाम स्मरण, थोड़ा मेडिटेशन, ये भी हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज का बहुत बड़ा संदेश था और सभी धर्म गुरु के संदेश होता है कि जो भी भगवान में आप श्रद्धा रखते हो, थोड़ा नाम स्मरण करना, थोड़ा मेडिटेशन करना, आपको जान के ताजो। ये मैं संत हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आई कैन गिव यू साइंटिफिक प्रूफ्स टू दिस। 50,000 से ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स मेडिटेशन पे, प्रेयर्स पे, नाम स्मरण पे प्रोड्यूस हुए नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, वहां फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कितने लाभ होते हैं, ये सभी कुछ है। एक प्रसंग आपको कहूं, ऑस्टियोपोरोसिस आपको पता है क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस जहां आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में उन्होंने रिसर्च की कि चलो ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो ये दवाई होती है, ये होता है, वो होता है, फिजियोथेरेपी होती है, लेकिन बचपन से ऐसी कुछ हो बात कि हम करें कि कभी ऑस्टियोपोरोसिस जीवन में ना हो। 8 साल की रिसर्च के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन इंग्लैंड दे केम टू अ कंक्लूजन, एक निष्कर्ष पे वे आए
कि जो भारतीय संस्कृति में सूर्य नमस्कार की बात है, वो पांच सूर्य नमस्कार, पांच दंडवत प्रणाम रोज कोई करे तो वो लड़का बड़ा होके कितना भी जिए उसको कभी ऑस्टियोपोरोसिस की शक्यता नहीं आएगी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की बात है। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ येल अमेरिका में, वो भी आईवी लीग यूनिवर्सिटी है, टॉप 10 बी स्कूल्स ऑफ द वर्ल्ड आईवी लीग है यूनिवर्सिटी ऑफ येल, उसमें रिसर्च हुई जो भारतीय योग शास्त्र में सुदर्शन क्रिया है, सिंपल क्रिया है, सिंपल एक योगासन, तो वो स्टूडेंट्स को ऑफर की। प्रोफेसर ने स्टूडेंट को ऑफर की कि ये योगिक क्रिया, सुदर्शन क्रिया का इतना लाभ भारतीय सत शास्त्रों में, अगर आपको एनरोल होना है ये प्रोग्राम में वॉलंटरली तो आप एनरोल हो सकते हैं। येल यूनिवर्सिटी के कॉलेज के 200 लड़के लड़कियां इस प्रोग्राम में एनरोल हुए। 6 महीने तक ये प्रोग्राम किया, 6 महीने के बाद ये सभी 200 के ओपिनियन फॉर्म्स भरे। सभी ने जो बातें लिखी उसमें 3 बात मुख्य थी। सभी स्टूडेंट्स ने की कहा कि ये सुदर्शन क्रिया हमने की तो पहला लाभ ये मिला, पूरे दिन हम पॉजिटिव मूड में रहते थे। ये बहुत बड़ा लाभ है कि नहीं? पूरे दिन पॉजिटिव एनर्जी में रहना ये बड़ा लाभ है। आप डिसीजंस अच्छा ले सकते हो, कुछ काम अच्छी तरह से कर सकते हो, लोगों के साथ अच्छी तरह से बर्ताव कर सकते हो, बिकॉज यू आर इन अ पॉजिटिव मूड। दैट हेल्प्स यू, दैट हेल्प्स द पीपल, दैट हेल्प्स द एनवायरनमेंट इन योर ऑफिस, इन योर सर्विस, एवरीवेयर। दूसरी बात ये बच्चों ने लिखी कि ये 6 महीने तक हमने ये सुदर्शन क्रिया की, हमारा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। और वो सिर्फ लिखी नहीं, ये 6 महीने में जो 2-3 क्लास टेस्ट हुई, 1-2 सेमेस्टर टेस्ट हुई, सब्जेक्ट टेस्ट हुई, इन सभी में इन सभी के मार्क्स बढ़े हैं, मतलब इट वाज प्रूफ कि उनका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ा। तीसरी बात उन्होंने लिखी कि दिन में हम, मतलब सोशल मीडिया पे तो सब रहते हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, FB पे है, तो कभी कोई न्यूज ऐसे आते हैं तो आप अप में आ जाते हो, कभी कोई बात ऐसे डाउन में आ जाते हो, तो मूड स्विंग बहुत रहता है। मोर विद सोशल मीडिया मोर मूड स्विंग्स, ये सिंपल थियरी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये स्टूडेंट्स ने कहा कि ये 6 महीने तक हम योगिक क्रिया, मतलब सुदर्शन क्रिया की, उस वक्त ऐसा नहीं था कि हम सोशल मीडिया से दूर थे, जितना सोशल मीडिया पहले यूज करते थे उतना ही करते थे, लेकिन 6 महीने पहले हम दिन में 5-7 बार मूड स्विंग में आ जाते थे, अब योगिक क्रिया जो हमने की है, सुदर्शन क्रिया की, तो ये सोशल मीडिया इतना ही रहा, टाइम तो इतना ही स्पेंड किया, लेकिन मूड स्विंग बंद हो गया। ये 3 लाभ लिख के दिए, यूनिवर्सिटी ऑफ येल आईवी लीग की यूनिवर्सिटी है। तो ये तो मैंने आपको 2 बातें की, ऐसी मेरे पास हजारों बातें हैं कि हमारे सत शास्त्रों में जो बातें लिखी है वो सही है। आप मानने के लिए तैयार ना हो, मानते नहीं हो, वो आपकी तकलीफ है, बाकी बात गलत नहीं है। बात सब हमारे सत शास्त्रों में महान संतों ने की है वो सही है। मैं IIM में एक जगह पे प्रवचन कर रहा था, उसके बाद क्वेश्चनर हुआ, किसी स्टूडेंट और फैकल्टी ने साथ मिलके मुझे प्रश्न पूछा कि हैव यू सीन गॉड, मैंने बोला यस, फिर मैंने उनका प्रश्न पूछा डू यू वांट टू सी गॉड, बोलो मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, डू यू वांट टू सी गॉड, डू यू वांट टू सी, रियली सी इट? सिंपल है, रोज सुबह सूर्य निकलता है, हमारे शास्त्रों में तो सूर्य देव है, चलो वो मत मानो, शास्त्र की बात मत मानो, मैं आपको लॉजिकली प्रूव करता हूं। अगर कल सुबह सूर्य बाहर नहीं निकला, चलो कोई कारण से, एक थ्योरम ले लेते हैं, तो नासा के सभी साइंटिस्ट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सभी साइंटिस्ट, हमारे इसरो के सभी साइंटिस्ट, सब मिला के उसको बाहर निकाल सकते हैं? चलो निकाल तो नहीं सकते, उसका ऑल्टरनेट है, पृथ्वी पे जितनी जलानी जैसी चीजें सभी जलाएंगे तो भी दिन गिरेगा, सुबह गिरेगी? सुबह तो वो 9 करोड़ माइल्स दूर से बाहर निकलेगा तब भी ही गिरेगी, और अगर 3 दिन बाहर नहीं निकला तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कम होने लगेगा, 5 दिन बाहर नहीं निकलेगा तो पृथ्वी पे मृत्यु चालू हो जाएंगे। वी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हीट।
दैट हीट इज लव फॉर अस, वो सूर्य का प्रेम है, गर्मी नहीं है, वो तेज और वो गर्मी प्रेम है. दैट इज गॉड, योर एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन इट. तो मैंने बोला, आप बोलते हो एवरीथिंग इज साइंस, साइंस डिड नॉट क्रिएट सन. ओके, इफ यू से एवरीथिंग इज साइंस, साइंस डिड नॉट क्रिएट सन. और मैंने बोला ये भगवान की तरकीब तो देखो, एक आइटम पृथ्वी पे ऐसी बनाई, 7 बिलियन को सुबह से धंधे लगा दिया, क्या धूल बनाई. अब शांति से ये स्टेटमेंट सोचना, एक धूल में है जिसकी कोई कीमत नहीं है, गर्मी होती है तो साफ करके बाहर डाल देते, उस धूल में इतना सारा कुछ भगवान ने रखा है, 7 बिलियन की पॉपुलेशन को सुबह में ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट धूल की वजह से मिलता है, पता है आपको. थ्री % ऑफ द टोटल एम्प्लॉयड पीपल अपॉन दिस अर्थ सुबह से उठ के धूल खोदना चालू कर देते हैं, फिर उसमें से जो निकलता है वो लॉजिस्टिक्स वाले ले जाते हैं, फिर यहां पहुंचाते हैं, वहां फिनिश प्रोडक्ट बनाने में लग जाते हैं, फिनिश प्रोडक्ट यूज करने वाली मार्केट में जाता है, मार्केट से एंड यूजर में जाता है. कितना कुछ धूल में भगवान ने रखा है. सभी एम्प्लॉयमेंट पृथ्वी पे, टेक दिस स्टेटमेंट फ्रॉम मी टुडे, ईच एंड एवरी एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस अपॉन दिस अर्थ, उसका मूल स्थान धूल है. अब शांति से सोचना, इतना दैवत तो भगवान ने धूल में रखा है, तो तू श्रद्धा रखेगा तो तेरे में कितना दैवत रख सकते हैं भगवान, वो सोच ले. तो श्रद्धा है, यू वॉक बाय फेथ. हम श्रद्धा से आगे चलते हैं, लॉजिक से नहीं. लॉजिक और श्रद्धा का बैलेंस रखना, यूज योर ब्रेन्स एंड यूज योर हार्ट, डोंट निग्लेक्ट योर हार्ट एंड योर इमोशंस, तो आप परफेक्ट सेवक, परफेक्ट व्यक्ति बन पाएंगे. लॉजिक एंड फेथ का कॉम्बिनेशन रखना. आई बिलीव ओनली इफ माई माइंड सेज यस, इवन ओनली इफ माई व्हाइज एंड व्हाट्स एंड हाउस एंड व्हेन्स आर सैटिस्फाइड, ये मूर्खता है. शादी करने के वक्त आप अग्नि की साक्षी में जब प्रदक्षिणा कर रहे थे, तब आपको मन में अगर ये डाउट होता लॉजिक से, अगर डिवोर्स होगा तो आगे बात ही नहीं चलती. उस वक्त दोनों के मन में क्या था, सिल्वर जुबिली, गोल्डन जुबिली था कि नहीं, और चला भी था, इसके चला. तो उस वक्त लॉजिक आप चलाते हो, अगर लॉजिक चलाया होता तो शादी होती, लेकिन फेथ चलाया तो चला, संसार अच्छा चला, आनंद हुआ, परिवार चला. मतलब श्रद्धा और भक्ति की बहुत जरूरत है, वो रखना. तो ये थोड़ी बातें थी आपके साथ शेयर की. आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और हमारे गुरु महंत स्वामी महाराज को प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को बहुत बल दें, बहुत अच्छी सेवा कर पाए आप, लेकिन क्वालिटी सर्विसेज, एथिकल सर्विसेज एंड प्योर सर्विसेज, दैट मेक्स यू अ परफेक्ट लायन. थैंक यू वेरी मच.